तो हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपको स्वागत है। और आप सभी जानते हैं मैं हूँ अनिल बागुल और मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, आज का फोर्स स्ट्रोक गाड़ी का हेड असेंबल करने जा रहे हैं, तो फटाफट देख लीजिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी फोर्स स्ट्रोक गाड़ी का हेड है BS3, BS4 या BS3 भी होगा तो भी सेम ही है। तो हेड अभी खोलते समय आप देख लीजिए इसका वॉल फिटिंग और बाकी चीज़ें कैसे करनी। तो दोस्तों, पहले आपके पास जो भी हो पेन या कुछ भी हो, लिखने से पहले आप देख सकते हो उसको क्या क्या फिटिंग के लिए चीज़ें लगती है। तो MRP अलग अलग होती है हर राज्यों में। तो फिलहाल अभी जो भी है, खाली जो जो चीज़ें लगने वाली उसी के। तो दोस्तों, हेड असेंबल के लिए सबसे पहले दो वाल होते हैं, एक छोटा और बड़ा। ये वाल देख लेने के बाद आपको उसके ऊपर दो स्प्रिंग आती है, वो भी देख सकते हैं। ये दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग के ऊपर नीचे और ऊपर दो 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 जोड़ी वाइसर होते हैं, जो अभी आप देख सकते हैं। दो जैसे चार वाइसर लगते हैं दोस्तों, नीचे और ऊपर उसके वाइसर के ऊपर। और एक चीज़ लगती है, वो भी ध्यान रखना है, वो है वॉल के जो लॉक है वो भी देख लेना है दोस्तों। वो छोटे छोटे होते हैं और उसको अच्छी तरह से रखना संभाल के। आप नए डालने तो कोई बात नहीं, पुराने भी संभाल के रख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये वॉल के जो लॉक होने के बाद ये दो रॉकर, ये दो आते एक, ये दो वॉकर को भी ध्यान से रखना है दोस्तों। उसको डीजल से धोने के बाद क्लीन करके अच्छी जगह साफ सफाई करके रखना है, जिसके कारण उसके अंदर भी कचरा आ जाए। कैम शॉप है दोस्तों, उसको दो बेरिंग आते हैं, वो भी देख सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं ये दो पिन है जो वॉकर के अंदर लगते हैं, और ये है ब्लॉक पट्टी। ये लॉक पट्टी को ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोस्तों, BS6 हो या BS4 या BS3, ये कोई भी फोर स्ट्रोक गाड़ी का जो टू प्लग की गाड़ी है, मतलब जो भी टू प्लग वाली गाड़ी का जो हेड है उसका ही है। इसको दो वाल है और अच्छी तरह से फिटिंग करने से पहले आप देख सकते हैं उसको स्प्रिंग और ऊपर से ऐसा वाल के नीचे एक गुटकी रखने की है, जिसके कारण वाल अच्छे से फिट हो। हेड अभी क्रॉस में दिख रहा होगा दोस्तों, अभी शाम का टाइम है इसलिए दोस्तों फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसको लॉक करने से सही तरीका इस तरह है। या फिर आप रिंग पाना लेके भी उसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्प्रिंग को दबाने के बाद ये लॉक अच्छी तरह से वॉल को जो ऊपर की बाजू में बैठ जाता है। और अभी फिटिंग होने के बाद दूसरा वॉल लेना है, तो दूसरा वॉल भी कैसे बैठाना है वो भी देख लेना है। दोनों वॉल आगे पीछे भी बैठा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खाली बड़ा वॉल और छोटा वॉल ये देख लेना है, क्योंकि अंदर जो पेट्रोल और दूसरा एग्जस्ट वाल जो होता है वो ज़्यादा करके गर्म होने के बाद ख़राब होता है, इसलिए वो भी देख लेना है। उसको बिठाने से पहले उसको अच्छे पोंछ के क्लीन रखना है, फिर थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर छोड़ के फिर उसको अंदर प्रेस करके चेक करना है, जो आवाज़ आती है या ठीक है या कुछ गड़बड़ है वो भी चेक कर लेना है। फोर स्ट्रोक गाड़ी दोस्तों, इसके लिए काम करते समय पूरा ध्यान रखना है, कुछ उल्टा सीधा ना हो। ये छोटा वाले अभी चेक करने के बाद उसको फिट कैसे करते वो भी देख लेना है। उसके नीचे गुटकी रखनी है दोस्तों, जिस कारण वो ऊपर आ जाए, और उसको वॉल रहता है वो हाथ से भी बिठा सकते हो और अच्छी तरह से टाइट बिठाना है, क्योंकि ढीला ना रह जाए, ऑयल बाहर आ सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम है। चपटी वाइसर है वो, उसकी जो नीचे की बाजू चपट वो नीचे रखने की। और ये देखो वॉल दिख रहा है दोस्तों, उसको जो ऑयल सील है वो उसको हाथ से अच्छे से कस के उंगली से दबा के फिट करना है, जिसके कारण वो पूरी तरह फिट हो जाए। और ऊपर के स्प्रिंग लेनी है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है कपड़े से। और आप देख सकते हो उसको नीचे आगे या पीछे किसी तरह से बिठा सकते हो, उसे कोई नहीं दोस्तों बात गड़बड़ हो गए होने वाली नहीं, नीचे ऊपर फिट हो सकता है बराबर। और उसके बाद आपको लेना है एक वाइसर और लॉक। तो उसको लॉक फिट करने से पहले, इसको बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दोस्तों। आप देख सकते हो उसको इस तरह रखना है दोनों तरफ से, और ऊपर से दोनों उंगली से प्रेस करना है, जो वॉल नीचे के बाजू जाने के बाद अच्छी तरह से फिट होता है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी दोस्तों, क्योंकि वो उड़ सकता है या फिर आपको लग भी सकता है, इसलिए उसको अच्छे से धीरे से, या फिर एक आधा रिंग पाना भी उसको लगा सकते हैं उसको दबाने के लिए, और धीरे से उसको पुश करना है। यह अभी उसकी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों वॉल की, तो काम हो चुका है आप देख सकते हो। उसको फिर उसके बाद अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, कि इसके कचरा विचरा कुछ भी ना हो, फोर स्ट्रोक गाड़ी का जो भी काम है उससे। ये अभी वॉकर और कैम शाफ्ट देखना है, कैम शाफ्ट बिठाने से पहले उसको देखते हैं। बड़ी जो बेरिंग है और छोटी बेरिंग, दो बेरिंग आती है, और उसको आपके पास प्लास्टिक की हथौड़ी या रबर की हो, या फिर आप जो भी चीज़ है पर उसको हल्के हाथ से या कपड़ा रख के भी उसको फिट कर सकते हैं, जिसके कारण वो कैम शॉफ्ट या फिर कोई चीज़ दूसरा ख़राब ना हो। धीरे धीरे एकदम लाइट लाइट वेट से मारना, जिसके कारण वो ख़राब ना हो जाए दोस्तों। ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना है, तभी फिट हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कैम शॉफ्ट अभी उसके बेरिंग पूरी तरह अच्छे है,
क्योंकि अगर दोस्तों ये भी देख लेना, बेयरिंग ख़राब हो या उसमें कोई प्ले हो तो आप नए डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी अच्छी पोजीशन में इसलिए वो ही बिठा दिया है। दूसरा दोस्तों, काम करते समय ध्यान रखना है कोई भी चीज़ उल्टी सीधी ना लग जाए, इसलिए वो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर उसको कॉपर फिटिंग कैसे करते हैं ये देखो, ये पूरी तरह फ्री है। अब दूसरा उसका है, रॉकर को अच्छी तरह से डीजल से धो लेना है, उसमें कोई भी गंदगी ना हो, ख़राब हो, उसे अच्छा क्लीन कर लेना है। फिर उसे साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद फिर उसको फिट करना है दोस्तों। एक दो वॉल, एक लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ देख सकते, एग्जिट और जो कॉम्प्रेसर की तरफ से एक वॉल है, उसको फिट करने से पहले अच्छी तरह से देख ले, साफ़ कर ले। वॉल फिटिंग का जो भी आवाज़ आता है, कभी वॉल सीटिंग फिटिंग के टाइम जो टाइफॉइड का अपन आवाज़ बोलते हैं, वो भी उसका भी वीडियो बना चुका है दोस्तों। फिलहाल अभी पिन है उसकी आगे की, वो भी अच्छी तरह से धीरे धीरे फिटिंग करने के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं। आप सिर्फ ये वीडियो भी देख सकते हैं, हल्के हाथ से उसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपके जो भी अवेलेबल चीज़ें उसको धीरे धीरे करके आगे ढकल देना। अभी पूरी तरह फिट हो चुका है दोस्तों। फिर आखिर में हेड का जो काम होता है वो धीरे धीरे ही क्यों करना है, क्योंकि कोई गड़बड़ रह जाए या कुछ गलत उलट उलट सुलट काम होने के बाद अपनों को नुकसान हो सके, इसलिए वो ऐसा काम ना करे। और कॉपर फिटर के पास जो भी आपका मिस्त्री है या फिर फिटर है फोर स्ट्रोक गाड़ी का, उसके पास ही काम करे, जिसे फोर स्ट्रोक का काम आता है, कोई किसके पास ना जाए दोस्तों। ये फिटिंग बहुत धीरे धीरे करना है, भले उसको टाइम लगे चलेगा। वॉकर को उठा के और पिन को हल्के हाथ से अंदर के बाजू में फिटिंग करते समय पूरी तरह ध्यान रखना है, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है दोस्तों, अभी एक काम चले। अब मेरा दोस्त महबूब पीटर है, पोस्टर का अच्छी तरह काम करता है। और अभी दूसरा है उसकी लॉक पट्टी को भी अच्छे डीजल से धो लिए मैंने, और धोने के बाद उसे देख सकते हैं अभी उसे फिट कैसे करना है। लॉक पट्टी पिटाना बहुत ज़रूरी है, जो कैमशाफ्ट और जो बेरिंग है उसके पास अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कर देना, जिसके कारण वो हिल ना पाए और उसका जो कॉपर काम है वो अच्छी तरह से करे, जो अंदर जो भी होता है मशीन के अंदर गलती करना नहीं दोस्तों। पूरी तरह वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, काम करते समय अपना पूरा ध्यान काम पे रखना, इधर उधर ना देखें। फिटिंग करने के लिए कोई दोस्तों आपके साथ हो तो उसकी भी मदद ले सकते हैं, ऐसा नहीं कोई आप अकेले ही कर सकते, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है आप अकेले पड़ जाते हो, कुछ रह जाता है, तो उसके लिए आप कोई साथ में रख सकते हैं, या फिर आप खुद भी देख सकते काम करते समय फिटर किस तरह काम कर रहा है, या मिस्त्री कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल भरा तो नहीं पर मैं मुश्किल वाला भी है। तो उसके लिए अच्छे से काम करते समय हर एक चीज़ को पूरे जांचे परखे फिर करें। और अभी फिटिंग का काम हो चुका है हेड का, अभी आगे की हेड पैकिंग डालनी है, उसके पहले उसको अच्छे से ट्यूब से उसको लगा लेना है, जो ऑयल लीकेज ना हो, कंप्रेसर अच्छे तरह से पकड़े पकड़े, फोर स्ट्रोक गाड़ी है। अभी शाम का टाइम है दोस्तों, अंधेरा पड़ चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो या कोई रहेगा हो तो ज़रूर बताना फोर स्ट्रोक गाड़ी के बारे में दोस्तों। फ़िलहाल कैसा है, BS3 BS4 ये गाड़ियों में कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों, जब आपका प्लग के अंदर या फिर साइलेंस के अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है या धुआं निकलता है, जो स्पार्क प्लग के जरिए आपको समझ में आने चाहिए जल्दी काम करना है या नहीं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। आपको प्लग के बारे में, फोर स्ट्रोक गाड़ी की जो भी है, ये गाड़ी को दो प्लग लगते हैं, और दो ज़्यादा करके CNG और LPG के प्लग बहुत जल्दी चले जाते हैं। फिलहाल पेट्रोल गाड़ी का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी आप चेन को देख सकते हैं, उसको इस तरह बांधा है क्योंकि वो नीचे ना जाए, और उसको ऊपर ही बांधे। बांधने के बाद हेड पैकिंग को नीचे धीरे धीरे उसको रख देना है, जिसके कारण जो हेड है अच्छी तरह से और उसका प्रॉपर फिटिंग हो जाए दोस्तों। ये भी शाम का टाइम है, इसलिए वीडियो को थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही होंगी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल रात का टाइम है दोस्तों। यह भी देख सकते हैं, जो चेन है उसको इस तरह से बांधा हुआ है, तो उसको अंदर से हेड के अंदर से निकाल लेना है। एक एक काम धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी ना करें। गाड़ी का काम करते समय मशीन गियर बॉक्स जो भी हो, कोई भी काम हो, आराम से ही करना है। अभी फ़िलहाल हेड बैठ चुका है दोस्तों, हेड फिटिंग पूरी तरह होने के बाद उसको ऊपर के जो चार नट है उसको भी अच्छी तरह से पैक करना है। ये काम थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों,
जल्दबाजी में क्या होता है, कुछ चीज़ रह जाती है फिर नुकसान होता है। अभी ये फ़िलहाल फिटर का काम ख़त्म है, अभी 4 नोट है जो वो ऊपर की तरफ फिट हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर का जो ये महबूब फिटर है मेरा दोस्त, वो अभी वीडियो बनाने के मूड में नहीं, पर मैं बिना बना रहा हूँ, उसने मुझे बोला आओ काम चालू तो देख लो। फोर स्ट्रोक गाड़ी के काम बहुत होते हैं दोस्तों, पर आप अच्छे तरह से गाड़ी चलाओगे, ऑयल का टाइम टू टाइम ऑयल चेंज, ग्रीसिंग ऑयलिंग ये करोगे तो इतना आपको ज़्यादा गाड़ी का नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ये गाड़ी का काम टाइम टू टाइम महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिनों में, जब भी हो आपको, जब गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो जल्दी कर लेना है, ऑयल गियर का वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी कर लेना फिटर के पास, क्योंकि ज़्यादा दिन आप वैसे ही गाड़ी को चलाते रहेंगे तो और भी नुकसान होता रहता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी नट फिटिंग हो रही है हल्के हल्के हाथों से, पहले क्रॉस में नट फिटिंग करना है, क्योंकि एक साथ में एक ही नट को नहीं उसके क्रॉस में नट फिटिंग करते हैं, कभी भी ध्यान में रखना, व्हील फिटिंग हो या मशीन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह फिटिंग करना है, जिस कारण 4 नट जो धीरे धीरे करके लेना है, क्योंकि उसके अंदर ही जो गाड़ी का जो कॉपर काम होता है अच्छे से, वो उसको भी बोलते हैं दोस्तों, कोई अलग अलग फिटिंग करने वाले अलग अलग तरीका रहता है, पर इस तरह फिटिंग कर लेना है। फिलहाल अभी जो भी काम है पूरी तरह होने पर आया दोस्तों, अभी रात का समय इसलिए आपको देख सकते हैं अंदर की लाइट लगी है, ये पूरा काम होने के बाद जो टाइमिंग चेंज है दोस्तों। उसका भी मेरा वीडियो काम। कैसा लगा तो सबसे पहले वीडियो को ढूंढने के लिए, मेरे लिंक ढूंढने के लिए यूट्यूब या गूगल पे जाके ऑटो रिक्शा ज्ञान ये टाइप करना है, उसके बाद जो भी पहली लिंक आएंगी उसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ऑटो रिक्शा ज्ञान से रिलेटेड आपको ऑटो रिक्शा के 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक जो भी आपको वीडियो लगे वो आपका मेरा चैनल खुल जाएगा, और आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकॉन दबाने के बाद आपको मेरे नोटिफिकेशन सभी तरह प्रकार की मिलेंगे और ऑटो रिक्शा ज्ञान के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं, मैं अनिल बागल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपका सभी का स्वागत है। बाय।